दोस्तों अब तक भारत रूस से टेक्नोलॉजी मांग रहा था और रूस की कंपनी से पार्टनरशिप कर रहा था ताकि भारत में मेड इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट मिल सके, लेकिन समय इतना जल्दी बदल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रूस की हालत खराब हो चुकी है। अब रूस अपने करीबी दोस्त भारत से मदद मांग रहा है। रूस चाहता है कि भारतीय कंपनियां रूस में बंद पड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीद ले और रूस के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों बंद पड़े हैं, रूस क्यों अपने फैक्ट्री को भारतीय कंपनियों को बेचना चाहता है और क्या भारतीय कंपनियां रूस के फैक्ट्री को खरीदेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ा हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय कंट्री चाहते हैं कि रूस का जो इकोनॉमी है उसे डाउन कर दिया जाए और रशिया यूक्रेन के सामने हार मान ले, और इसके लिए सबसे पहले अमेरिका ने रूस के क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, उसके बाद काफी हैवी सेंसेक्स भी लगा दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी रूस नहीं रुका, तो अमेरिका और यूरोपीय कंट्री जिन्होंने अपने फैक्ट्री को रशिया में एस्टेब्लिश किया था और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उन सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद करके चले गए। यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि वो प्लांट बंद करके गए हैं, प्लांट को उठा करके ले करके नहीं गए हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजी है, जो चीजें हैं, वो अभी भी वही हैं। हाँ, कुछ डाटा, कुछ मेजर चीज लेके गए होंगे या नहीं भी गए होंगे, बट प्लांट अभी भी रूस में है, लेकिन प्रोडक्शन बंद हो चुका है क्योंकि इन सारे कंपनियों को चलाने वाले लोग यूरोपीय या अमेरिकन कंट्री के थे। तो ऐसे में रशिया में जितने भी प्लांट हैं वो सारे प्लांट बंद हो चुके हैं और सभी कंपनी वापस अमेरिका और यूरोप चली गई है और यहाँ बस उनकी फैक्ट्री बची है जो तब से लेकर अब तक बंद है। रूस में कई छोटे बड़े बिजनेस को ये अमेरिकी कंपनियां ऑपरेट कर रही थी और इनके बंद होने के बाद से रूस धीरे धीरे चीन से चीजों को इम्पोर्ट करने लगा। हालांकि कुछ समय के लिए ठीक था, लेकिन आज तक रशिया यूक्रेन वॉर जारी है और ये कब खत्म होगा या किसी को नहीं पता। यहाँ रूस ने एक चीज नोटिस किया कि वो अपने हर एक जरूरत के लिए चाइना पर डिपेंड होते जा रहा है और चीन रूस में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके बड़ा मुनाफा कमा रहा है। तो रूस ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा और उसने डिसाइड किया कि जो भी फैक्ट्री यहाँ पर बंद है जो कि यूरोपीय कंट्री की है उसे हम फिर से चालू करेंगे, लेकिन इसे चालू करने के लिए वर्कर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा चाहिए, जो कि रूस के पास नहीं है क्योंकि एक दो कंपनी नहीं है, सैकड़ों कंपनी है और बिना पैसा का कोई भी कंपनी में प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला नहीं है। यही कारण है कि रूस अपने कंपनी और फैक्ट्री को भारत को बेचना चाहता है, भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत इन फैक्ट्रियों को खरीद ले और यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करे। इससे फायदा भारत को भी होगा, रूस को भी होगा, क्योंकि भारत जो भी प्रोडक्शन करेगा उसे रशियन मार्केट में बेचेगा और भारत के साथ साथ और भी कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा, तो मुनाफा हमारी कंपनी को होगा। रूस को ये पता चल चुका है कि चाइना आने वाले टाइम में मनमानी कर सकता है, वो रूस में अपनी मजबूत उपस्थिति का फायदा उठा सकता है क्योंकि रूस ने बहुत सारे कंपनी को चाइना को बेच दिया है। अब अगर रूस की सारी कंपनी को चाइना खरीद लेगा तो जाहिर सी बात है कि रूस पर चाइना का दबदबा बन जाएगा और गाइस चाइना जैसा देश भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूस के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 80% मार्केट पर चाइना की कंपनी का कब्जा है, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्री है जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, मेटल्स फैब्रिकेशन, इन सेक्टर में रूस चाइना को नहीं बल्कि भारत को मौका देना चाहता है। इससे चाइना के लिए एक कॉम्पिटिटर भी रूस को मिल जाएगा। दूसरी ओर जब भारतीय कंपनियां रूस के फैक्ट्री को खरीदेगी तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। अभी रूस में संत पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट का उद्देश्य अलग अलग देशों से कंपनियों को रूस में लेकर के आना है ताकि बंद पड़ी फैक्ट्री का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सके। जैसा कि आपको पता होगा अभी हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक ने एक रिपोर्ट जारी किया था और उसमें लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंट्री की लिस्ट दी गई थी जिसमें भारत नंबर वन पर था, इसके बाद चाइना, इसके बाद ही कोई देश आता है। आपको बता दें कि प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भारत और चाइना ही टॉप पर हैं। यही कारण है कि रूस का ध्यान चाइना के बाद अब भारत पर है, वह भारत को चाइना की तरह अपने यहाँ पर इन्वाइट कर रहा है। अब कौन सी कंपनियां को कौन सी भारत की कंपनी खरीद रही है इसके बारे में अभी कोई डिटेल जारी नहीं किया गया है। रूस के बंद पड़े कंपनी को खरीदती है तो उस पर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। इससे भारत को क्या फायदा होगा वो मैंने आपको बताया। वेट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत भी अपने देश में विदेशी कंपनियों को प्लांट सेटअप करने के लिए बोल रहा है, अगर भारत में कभी ऐसा सिचुएशन आता है और जिस देश की कंट्री है उस देश के साथ अगर सिचुएशन खराब हो गया तो फिर ये कंपनी भारत से वापस लौट जाएगी, ऐसे केस में भारत को भी नुकसान हो जाएगा जैसे भी रशिया को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा बता दे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि भारत एक स्मार्ट कंट्री है। रशिया में अभी लोगों की कमी है, कई लोगों की जाने जा चुकी है। दूसरी चीज, रशिया का जनसंख्या बहुत कम है और अपना प्यारा भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर वन पर पहुंच चुका है, तो हमारे कंट्री में वर्कर की कमी नहीं है। और भारत एक स्मार्ट कंट्री है क्योंकि भारत में एक बार अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो वो टेक्नोलॉजी भारत से नहीं जाने वाली है क्योंकि तब तक भारत उस टेक्नोलॉजी को सीख चुका होगा और उसके जैसा हमशक्ल तैयार कर चुका होगा। अगर ये कंपनियां छोड़ के चली भी जाती है तो फैक्ट्री तो लेकर नहीं जाएगी ना, यानी कि टेक्नोलॉजी यहीं पर रह जाएगा जिसका यूज हम कर सकते हैं। हाँ, रशिया के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि रशिया ने कभी मेड इन रशिया को बढ़ावा नहीं दिया था और इसीलिए तो पुतिन हमेशा भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि देखो भारत के प्राइम मिनिस्टर को, वो कैसे अपने देश में मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, आप रशियन चीजों का यूज कीजिए ना कि यूरोपीय देशों के चीजों का। आई थिंक गाइस आप समझ रहे होंगे कि क्यों रशिया भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारतीय कंपनियां
रशिया में जो बंद पड़ी कंपनियां हैं उसको खरीद ले और वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट करे। आप ये भी समझ पाए होंगे कि अगर इन द फ्यूचर में भारत के साथ ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो भारत को इससे नुकसान होने वाला नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक बार टेस्ला भारत में आ गया, उसके बाद अगर एलोन मस्क भारत को छोड़ करके चले भी जाएंगे तो हमारे जो कंपनी है टाटा महिंद्रा ये सब टेस्ला की तरह कार बनाना शुरू कर देंगे, बल्कि कर भी दिए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाए हैं जिस तरह से टेस्ला है। इसलिए भारत लगातार एलोन मस्क से मीटिंग कर रहा है ताकि वो एक बार भारत में इंटर कर जाए, उसके बाद तो हमसकल बन ही जाएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जाएंगे।